Nobody wants to see your tush. और ये देखो, ये ऐसे आएगी. देखा? अब इसको अंदर कैसे डालते हैं? Hi guys, good morning. आज हमारे 30 day challenge का 13वां दिन, जहाँ पे हम रोज एक नया vlog डाल रहे हैं. यकीन ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही देखते देखते ऑलमोस्ट आधा रास्ता हम लोग आ चुके हैं. फिलहाल बज रहे हैं 11 और अभी चल रहा है थोड़ा सा वक्त रेस अगेंस्ट टाइम. जैसा कि कल शिवांगी ने बताया ही था, हमारी हाउस हेल्प आने वाली है और उससे पहले हमें बनाना है उपमा. बट यहाँ पे ये जो है उठी हुई है पर चादर के नीचे घूंघट ओढ़े लेटी है. हाँ जी, खड़ी हुई है. चलिए, क्या है? चल शिवांगी, हेल्प करा दे. क्या हेल्प कराऊं? तो शिवांगी उड़ जाएगी इससे. अच्छा, एक्चुअली में ये थी ट्रिक कि घस घसा दो भाई फटाफट. कम ऑन शिवांगी, वी नीड टू डू इट. भाई ये ले लो आप लोग, इससे जो है जीवन सफल हो जाता है. हमने 2-3 और ट्राई किए थे, लेकिन मुझे इसका ब्लेड और मैकेनिज्म थोड़ा सा बेटर लगा. जो ग्रीन वाले नहीं आते ऐसी ओवल सी शेप में, उसका धागा इतनी जल्दी अड़ता है ना. दिस वाज वेरी स्मूथ. और देखा ही आपने, ऐसे 2 घचघचे में ही काफ़ी बारीक प्याज कट गया. तो ये था हमारा अनपेड प्रमोशनल प्लग इन. अब हम आगे बढ़ते हैं नाश्ता बनाने की तरफ. आज हम आपको दिखाने वाले हैं उपमा बनाने की बहुत ही सिंपल रेसिपी. थोड़ा सा तेल लेंगे और सरसों के तेल के साथ मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, इसको थोड़ी देर तेज आंच में करके जला लो तो इसकी जो स्मेल है वो निकल जाती है और सरसों का तेल यूज़ हो जाता है कुकिंग में. सो बस ये धुआं आ गया था, अब हमने सिम पे कर दिया. और अब फटाफट से मिर्ची एंड अदरक, अब डाल देंगे हींग. क्या खुशबू आ गई मिर्ची अदरक की. और अब प्याज, थोड़े से प्याज हो गए हैं, अब डाल दें मटर और इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा थोड़ा नमक. सीजन एज यू गो गाइस. अब जैसे ही मटर की भीनी भीनी सी खुशबू आ जाएगी तो हम डाल देंगे अपने टमाटर. मटर की भी खुशबू होती है? मटर की खुशबू नहीं आ रही? वो तो कुछ नहीं आ रहा. कि घर में घुसो तो पता लग जाता है कि आज तो मटर का कुछ बना है. ऐसी भीनी भीनी सी खुशबू जब आ जाए दैट मीन्स दे आर रेडी और हम आगे बढ़ सकते हैं. तो इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी काली मिर्च एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल. बहुत ही सिंपल रेसिपी है. इसमें हम अपना सूजी डाल लेंगे. ठीक है, तो हम सूजी तो नहीं डालते हैं, उसका ऑल्टरनेट डालते हैं एक. आई थिंक बस बहुत है. MTR की रवा इडली, इसमें सब कुछ दाल काजू आजू और ये सब डाला हुआ होता है तो सही है. इसका टेस्ट भी बढ़िया आता है, हमने लास्ट टाइम बनाया था, काफ़ी सही बना था. डाल दो. और इसमें हमने जितनी सूजी ली थी जिस कटोरी में, उसके 3 पार्ट्स पानी हमें डाल लेने. गुड. और अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और ये बन के रेडी है. इसमें ऊपर से थोड़ा सा घी. टेस्ट टेस्ट शिवांगी. बड़े वाले एज यूजुअल उपमा एंड वरुण एंड वरुण एंड सांबर 10/10. एंड लुक व्हाट इज हियर. एक न्यू ब्रांड मैंने ट्राई करी थी. ओह, स्टिकर्स. या इट्स नॉट स्टिक. ओह या, दीज आर स्टिकर्स. सो इट इज़ आई थिंक डीएम ब्यूटी बोलेंगे इसको. ये नई ब्रांड है और इसका मुझे ये प्रोडक्ट ट्राई करना था, विच इज़ बेसिकली अ ड्यूप ऑफ आर ग्लास लिप ग्लेज, जो कि 4200 रुपीस की है गाइस. 4200 रुपीस. ये 4200 नहीं नहीं, जो आर ग्लास है. ओ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था. तो ये थोड़ी सी उसकी ड्यूप लगी है, यू नो, इन द पैकेजिंग एंड द काइंड ऑफ टेक्सचर. ये देखो काफी प्यारी पैकेजिंग है और ये एकदम सामने करिए. नई ब्रांड आई है कुछ शायद ब्लॉक में, न्यू ब्रांड ऑन द ब्लॉक ऐसे बोलते हैं ना नए लोग, जेन जी लोग. तो ये मैंने ली है. इट इज अ लिप. और ये देखो, ये ऐसे आएगी. देखा? अरे आ जा. अरे इसमें तो खुशबू आ रही है. आ रही है, आ रही है. ये देखिए, ये देखिए. अब इसको अंदर कैसे डालते हैं? ओ फक, इसको अंदर कैसे डालेंगे? ये नहीं डलती अंदर, ये उतनी निकालनी है जितनी बाहर निकलेगी. ओ, इट वाज एट दिस मोमेंट दैट शी न्यू शी फक्ड अप. है ना, ऐसे ही है ना. मुझे क्या पता, ये तो बहुत ही निकाल दी मैंने. हाय मेरी मैया, खा जा ओरी मोरी मैया. जो बाहर निकली खा रहा. ओ भाई, इसको अंदर डालो भाई, मैं वेस्ट नहीं कर रही. अभी मैंने रिव्यू भी करना था. ये देखो भाई, काफी ग्लेजी ग्लेजी सा है. दिखा थोड़ा, हाथ हिला. ओ या, मेरी वेस्ट हो रही है भाई. लोग, मेरे को रिव्यू भी करना है अभी. ओ तो ये ऐसी है दोस्तों, ये देखो ऊपर जेली जेली टाइप की. और शिवांगी ने मैंने लगा ली लिप्स पे. अभी हम लोगों की चल रही है घमासान प्लानिंग.
और हमने क्या क्या प्लान कर लिया, हमने हम लोग एक्चुअली ने अपना वीडियो कंटेंट प्लान कर लिया कि क्या क्या हमारे पास एकदम रेडी है, आइडियाज एंड स्क्रिप्ट्स, तो दोनों की 10-10 वीडियो बन रही है। और क्योंकि हम ऑल्टरनेट डेज प्लान कर रहे हैं पोस्ट करने का, तो हमारे पास 20 दिन का कंटेंट रेडी है, विच इज़ वेरी वेरी गुड, नो प्रेशर देयर। उसके बाद हमने थोड़ी घमासान डिस्कशन करके ये प्लान किया कि भाई हम आज से ही अपनी मशीन या जो भी हमें बेचना है यहाँ से, जो हमने खरीदा था, उसको लिस्ट कर देंगे। और फिर हमने अपने शूट डेज प्लान कर लिए, जो कि आई थिंक 17 तक प्लान हो चुके हैं। हाँ, 17 तक प्लान हो चुके हैं, 17 को हमने बीच डे भी रख लिया है। तो अगर हम इस प्लानिंग से चलते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सब प्लान करके कि अगर हम इस प्लानिंग से चलते हैं, जो कि हमें चलना ही पड़ेगा क्योंकि भाई दिन है कम, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अब मैं क्या प्लान कर रही हूँ, और हाँ, हमने ये भी प्लान कर लिया कि हम 21 सितंबर तक अपनी मोटी मोटी पैकिंग खत्म कर देंगे। सो दैट्स गॉना बी समथिंग, यू नो। मोटी मोटी पैकिंग में क्या आता है बताइए। मोटी मोटी पैकिंग में आता है बहुत सारे कपड़े जो कि उड़ रहे हैं और जूते, चप्पल, बैग, मोटी मोटी ये वाली पैकिंग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आई थिंक हमारा क्या ही बचेगा, बर्तन वर्तन और जो छोटे मोटे जैसे से मेकअप वेकअप या जो हम रोजमर्रा का यूज़ कर रहे हैं वो सब बचेगा। तो फिर भी हमारे पास 21 से हमने 28 को अपना हार्ड स्टॉप लगाया है, तो एक हफ्ता रहेगा, उसमें हम वो सब भी कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ प्लान वरुण के साथ मिलके, नया मैंने पेज खोल लिया है, डायरी तो बड़ी सुंदर है। या ये बजट प्लानिंग नहीं है गाइस, डोंट गो बाय दिस। तो मैंने 18 से 27 तक का हम लोगों को टाइम दिया है कि हम इन 10 दिनों में अपनी जो हमें प्लेसेस टू विजिट थी, जो हमने आपको लास्ट व्लॉग में किसी में दिखाया था कि हमने एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज का भी बनाया हुआ है, तो उसमें से अब यू नो इन रियलिटी हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, उसको डेट वाइज लिख रहे हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे वरुण जी ने लिख दिए थे ओपन माइक स्टैंड अप भी करेंगे, ये पता नहीं कितनी बेकरीज विजिट करेंगे, पता नहीं क्या क्या लिख दिया था। ख्वाब तो ऊंचे ही होने चाहिए ना। नहीं, ख्वाब तो बिल्कुल ऊंचे होने चाहिए, इसलिए अब हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। ठीक है शिवांगी, आई नीडेड अ सपोर्टिंग पर्सन इन माय लाइफ, बट यू ऑलवेज योर सपोर्टिंग एक्टर। अच्छा बता वरुण, मंडे को हम क्या कर रहे हैं? 18th है मंडे की, तो इसमें घुस जाना, ये बता दे कि इसी दिन से हमें एक्चुअली अपनी पैकिंग का भी थोड़ा देखना है कि अगर हमें विजिट करने जाना है। मैं कहती हूँ कि इस वीक में, कमिंग वीक में, हम लोग ने जो वो वाली सेरेमिक प्लेट और ये सब बनाने का वो करा था ना, ये फोनतानियाज, क्या नाम है इसका, ये लैटिन क्वार्टर्स जो है, हाँ, तो वहाँ पे विजिट कर लेते हैं, तेरा क्या कहना है? सही लग रहा, और पैकिंग मटेरियल का भी देख लेते हैं कि ऑनलाइन मंगाना है या लेके आना है, इन केस ऑनलाइन अवेलेबल है तो वही। तो मैं दो मोटी मोटी चीज लिख रही हूँ, एक तो वो लैटिन क्वार्टर्स विजिट करना क्योंकि हमें उधर जाना पड़ेगा पंजी साइड, और दूसरा आरंबोल मार्केट विजिट करना। तो ये किसी एक दिन शाम को निकल जाएंगे हम सनसेट देखते हुए बीच पे, इसी कमिंग वीक में जो 18 से स्टार्ट, हाँ, इसको मैं प्रायोरिटी पे रखना चाहूंगी, दिस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं 18th का लिख देती हूँ फिर, ऑलरेडी हमारा हैंडराइटिंग भी चेक करा देते हैं लोगों को। नहीं, 18th का नहीं लिखूंगी, आई थिंक हम 20th को कर सकते हैं, लैटिन क्वार्टर्स, लैटिन, या और 21st का कर सकते हैं आरंबोल। ठीक है, आप डॉक्टर बन सकते हैं, चोगी राइटिंग अच्छी है हमारी, चल चल। आज हमारे बने हैं फिर से बहुत ही मजेदार छोले एंड साथ में चावल, यमजा यमजा, देखो भाई ए ओंदे छोले। मेरी निगाह उस ग्रीन चिली पे है। हियर इज शिवांगी, वी आर रेडी फॉर द शूट एज डिस्कस्ड एंड प्लान्ड, लुकिंग ब्यूटीफुल शिवांगी। और मैंने भी अपनी एक आधी स्क्रिप्ट निपटा ली है, बढ़िया बैठ के यहाँ पे काम कर लिया है। क्या कर रही हैं आप? आइए ये देखिए हमारी आज का थंबनेल, कुछ देसी जुगाड़ चल रहे हैं मेरे रोब के, इससे क्या होता है ये कमरबंद उससे इसका वॉलेट बांधा जा रहा है क्योंकि ये ऐसे जेब में से बाहर आना है। हाँ, क्योंकि हम एक रील कर रहे हैं जिसमें इस तरीके से होएगा कि ये ऐसे बाहर, लो भाई गिर, ओ गिर गया, ओ माय गॉड, तुम्हारा जुगाड़ भी यार, गीठा खुल गई, गीठा, हां मैं गीठा क्या होता है, गीठा नहीं मानते हो, गीठा क्या होता है, नहीं मैं नहीं जानती, गांठ होता है, गांठ होता है। वरुण ग्रोवर को देख लो कैसे कैसे सीन करा रहा है, ये जुगाड़ है, यूं करके मेरा हाय हाय वरुण बाहर आ जाएगा, नोडी वाज टू सी योर टश। गाइस हम लोग ने एक रील के लिए एक शूट किए एक तो इसको देख लो, सस्ता गरीब अगर रणबीर कपूर, सो हम सोच रहे थे कि व्लॉग में भी, आलिया गेट मी सम टी नाउ यार, आलिया अब चल रहा, तो हम सोच रहे थे कि व्लॉग के लिए भी फनी बिट रिक्रिएट कर देते हैं, सो बी रेडी गाइस। क्या इसको सुबह से हेड गियर पे पहन के रखा, और टॉप है मेरा, टॉप है, सारा दिन हो गया सुबह तक
वी आर डन विद टुडे शूट. मेरा एक शूट हो गया, पर उनके दो प्रॉमिस थे. और बड़े दिनों बाद मेरे शूट कंप्लीट. गन गन गिरे गिरे गन गन घोर का जान. पर उन निकाल दे, मेरा टॉप है ये, ठीक है, हो गया. गन गन देखो बिजली है चल के. निकल चुके हैं वॉक के लिए. पहले हमने सोचा था कि हम स्विमिंग जाएंगे दोनों का एक बार को बड़ी तेजी से मन करा. बट फिर जैसे जैसे कुछ मिनट बीतते गए ना, हमने कहा यार वॉक पे ही चलते हैं. बहुत काम है स्विमिंग में. स्विमिंग में जो काम है ना, वापस आके नहाना वाना, उसके लिए भी बोथ वर नॉट रेडी आज. और थोड़ा मुझे तो रिवर साइड बैठ के ठंडी हवा खाने का मन हो रहा था. और मुझे भी वॉक से बड़ी सुकून वाली फीलिंग आ रही थी कि यार वॉक पे चलते थोड़ा मजा आएगा. बट स्विमिंग के साथ ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी. आज नहीं आ रही थी, आती है वैसे. तो क्या प्लान है अब तुम्हारा बाद का? बाद का मेरा प्लान है, अभी मैं कुछ रिवर साइड बैठ के कॉन्टेम्पलेट करना चाहूँगा द डेज दैट हैव गॉन. या आई थिंक वी विल हैव अ नाइस डिस्कशन. हम लोग बहुत मस्त डिस्कशंस करते हैं एक्चुअली. ये चीज़ मुझे हमारे बारे में बेस्ट लगती है कि हम बहुत ही कम्युनिकेट करते हैं, काफ़ी बातें करते हैं. और जिसमें से एक चीज़ और ये निकल के आई थी कि री इवैल्यूएशन इज द की जब भी तुम ऑफ ट्रैक जा रहे हो. वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. सो अगर हम पिस्ट भी हो गए हैं किसी बात से, नॉट एक दूसरे से, लाइक कि अरे दिन कैसा गया है ये वो फलाना निमकाना, तो भी हम बैठ के अपना बात ही कर लेते हैं और उससे हमेशा हम सॉल्यूशन ही निकाल लाते हैं कि भाई यू नीड टू रीवैल्यूएट, यू नीड टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, और यू नीड टू डू समथिंग दिस और दैट. सो दैट इज व्हाई वी आर अ कम्युनिकेटिंग टीम. यू वुडंट बिलीव आई एम बैक इन दिस टी शर्ट एंड वी हैव एडिटेड द व्लॉग बाय द टाइम इट हैज कम टू से गुड बाय टू यू. सो विल सी यू टुमारो. आज हम मस्त जल्दी सोने वाले हैं.